हाय, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। हम हैं सिनान एंड रज़ाक गो ट्रांच पे विद हमज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा भाई, फर्स्ट वीडियो में पूरा फार्म टूर करा दिया एंड वी कन्विंस पीपल टू कीप द गोट्स ऑन पलाई हियर। बकरे कन्विंसिंग देम मोर व्हाई टू कीप। वी आर गोइंग टू शो व्हाट आर वी गोना गिव, बट उससे पहले पलाई का रेट बता दो वापस कितना। पलाई का रेट मेरे इधर पे है फॉर अंडुल इट्स 2500 रुपीस अप टू 100 केजी, 100 किलो तक। 100 किलो तक खस्सी के लिए 125 किलो तक के बकरे के लिए 2500 रुपये, मेंढे के लिए 100 किलो तक का मेंढा है तो 2500 रुपये, और बकरी के लिए फ्लैट 2000 रुपीस। ओके, एंड व्हाई शुड पीपल कीप देयर गोट्स ऑन पलाइया? बिकॉज आई एम इन द बेस्ट फीड दैट विल इंशाल्लाह गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद मेरी एक टीम है जो बकरों का ख्याल रखती है। मैं पर्सनली पूरा दिन फार्म पे रहता हूँ, एज यू नो 24/7 आई एम हियर ओनली। यू गो होम ओनली वंस इन अ मंथ, राइट? यस, राइट। सो यू आर डिप्लॉयड हियर 24/7, बट दैट टू वंस इन अ मंथ आई गो आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क एंड इन द नाइट ओनली आई कम बैक। फैंटास्टिक। सो व्हाट आर वी गोना गिव? फीड के बारे में बताएंगे, बकरों का वजन बढ़ाने के लिए ये क्या फीड दे रहे हैं और वो बताएंगे। भराई का अलग होगा, राइट? भराई का पूरा, भराई का अलग है। भराई का ये मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग से लेके नाइट तक के पूरा रूटीन बताइए एंड विल फिनिश। कहाँ से शुरू करें हम? मेरा फाद भाई सुबह में सुबह 9 बजे चालू होता है जो भी है बकरे लोग का फीडिंग वगैरह। तो सबसे पहले बकरे लोग को जाती है तुअर की फल्ली। ओके, ये हो गई। तो इसके बाद बकरे लोग को 12 बजे मैं देता हूँ पानी, 12 बजे पानी देता हूँ। फिर उसके बाद जब 12 बजे लोग पानी पी लिए तो 1 बजे वापस थोड़ी थोड़ी हरी पत्ती चलती है, तुअर की फल्ली पूरी निकल जाती है। फिर उसके बाद जब बकरे लोग हरी पत्ती खा लिए उसके बाद सबके फीडर साफ हो जाते हैं और डायरेक्ट शाम में 5:30-5 बजे के टाइम पे मतलब असर जैसी हो जाती है, असर के बाद फौरन बकरे लोग को अनाज चले जाता है। तो अनाज के अंदर मेरे पास जौ है, अभी जो डाले हो मिक्स डाले ना, मिक्स फीड। सो जौ है, जौ है, एंड आई हैव गॉट मक्का। उसके बाद ये गेहूं, टुकड़े वाला मक्का है, गेहूं है। और आप कोई भी चीज़ की क्वालिटी देखो, रज़ाक भाई ने बीच में एडवर्टाइज किया था कि भाई हम एडलेट के बहुत अच्छे फीड डालने वाले हैं। नहीं तो ये वही है, एवरीथिंग इज टॉप क्वालिटी। बिकॉज आप कोई भी फीड खिलाओ तो उसके अंदर एक प्रोटीन लेवल होता है। तो ये सब चीज़ भले ही थोड़ी महंगी आ रही है मुझको, लेकिन इसका रिजल्ट मेरे को मालूम है कि इंशाल्लाह आएगा और आ रहा है। सब 2500 रुपये में आप ये सब दे पा रहे हो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा बहुत चना है ना, ये भराई के लिए। सो चना गोज फॉर भराई एंड देर आर सम स्पेशल गोट्स जो जो नए नए आए हैं थोड़ा नाटक करते हैं, उन लोग को हम लोग थोड़ा टॉप अप के हिसाब से चना दे देते हैं। ओके, थोड़ा दाना उठा। तो भराई के बकरे जब 10,000 कोई दे रहा है आपको हर महीने, तो क्या 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 मिलता है बकरों को? तो भराई के बकरे को सबसे पहले तो चना चलेगा, दूसरा उसके बड़ के पत्ते आते हैं। तो मेन जो कॉस्टिंग है आप अगर देखोगे तो फीड इतना मेजर नहीं है, मेन है उसके पीछे स्टाफ कौन सा लगा हुआ है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टाफ कि वो स्टाफ वो टाइम पे क्या कर रहा है। अगर उसको मैंने बोला कि आप बकरा खिलाओ तो मेरे को वो 24 मतलब खड़े रह के देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो उसके अंदर चना है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है। okay. जौ तो नहीं आता है, एक्सक्लूड हो जाता है भराई के उसके दाने के अंदर, क्योंकि जो हम लोग नहीं खिला पाते। तो ये हो गया। और अक्खी मक्का जाती है कभी कभी सीजन के हिसाब से, और कभी कभी जाती है ये फोन नहीं है एक्चुअली, अजान हो रही है। अजान खाली 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है हमज़ा भाई, वी मूविंग ऑन टू व्हाट एल्स डू यू गिव? सप्लीमेंट्स है काफ़ी, सप्लीमेंट्स भी है काफ़ी। ये तो बहुत थोड़े से सप्लीमेंट्स है, मतलब ये उनके लिए कि जो बकरे मेरे पास नए आए हैं और जो बकरे जैसे चलते आते हैं फिर उन लोग का मैं वो हिसाब से ख्याल रखता हूँ कि उसको और क्या चीज़ देने की ज़रूरत है कि वो थोड़ा और आगे बढ़े। ओके, क्योंकि हर बकरे का एक सिस्टम रहता है, वो खा रहा है, वो बढ़ गया, फिर कभी कभी रुक जाता है। तो उसको वापस वहाँ से उसकी गाड़ी चालू करने के लिए फिर अलग मेहनत लगती है। अच्छा, तो वो सब चीज़ भी है लेकिन वो थोड़ी हिडन है। आप बकरा भेजो तो हम बताएंगे आपको, आप बता देंगे कस्टमर को, बताएंगे क्यों नहीं, नॉलेज शेयर करेंगे तभी तो बढ़ेगी ना। वेरी गुड, बताइए क्या क्या है, व्हाट आर वी गिविंग बेसाइड्स? कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव ब्रोटोन। ये तो ये ब्रोटोन है, इसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है लिवर टॉनिक। ओके, तो इससे बकरे का लीवर अच्छा रहता है। okay. दूसरा बकरा अगर उसका एक डाइजेशन है वो इससे बहुत इम्प्रूव रहता है। okay. और अब कैल्शियम ले लो, देन आई गिव दिस। तो ये कैल्शियम है लेकिन आप इसका भी अगर मेजर काम देखोगे तो ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। okay. इससे फीड इंटेक बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, कैल्शियम वगैरह है वो बढ़ जाएगा, हॉर्न्स मजबूत हो जाएंगे, उसके जो हूफ्स के अंदर तकलीफ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, और आप मेन मेजर है फीड, आप फीड पे गौर करो ऐसा हिसाब है, क्योंकि ये फीड है ना फहद भाई, आप उसको देखो। ये तो बात की चीज़ है, पहले मैं ये दूंगा तब जाके काम करेगी। राइट, एंड एनी न्यू गोट दैट कम्स टू मी आई गिव हिम दिस। नया है, पहले रेस्टोवल चलाते थे लेकिन अब ट्राइबीवेट चला रहे, तो इसके अंदर भी लीजिन वगैरह करके इंग्रेडिएंट्स है। तो इससे बकरा जब आता है तो उसकी थकान वगैरह भी दूर होती है
एंड ही फील्स गुड टू ईट समथिंग ओके आफ्टर शिफ्टिंग टू अ प्लेस आल्सो ये जो पत्ती जो है ये क्या है डबल फिल्टर व्हाट इट इज क्वालिटी लाइक दिस इज डबल फिल्टर अब देख लो मैं इसको उड़ाऊंगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर वो धूल नहीं निकलती है ओके ओके फिर भी कभी अगर धूल आएगी आगे चल के सीजन के हिसाब से फर्क आता है हरी पत्ती में तो मैं तो डबल फिल्टर ही चलाऊंगा मगर मैं एक मशीन ले लूंगा क्योंकि बकरे को साफ चीज दूंगा ना तो बकरा और खाता है सो आफ्टर आई गिव द प्रोटीन दिस इज द फाइबर एंड व्हाट इज दिस कैफलान ये चलता है भराई के बकरों को और खस्सी बकरों को और कोई कोई बकरे हैं जो रिजल्ट ज्यादा नहीं दे पा रहे तो ये एक तरीके का अच्छा काम करता है ये कैसे देते हैं मैं तो फात भाई मेरा एक तरीका है मैं वो हिसाब से देता हूँ जैसे भराई के बकरे को तो पत्ते में फंसा के दे देता हूँ ओके और जो ये बकरे हैं इनको भी पत्ते में फंसा के लिक्विड और व्हाट नो दिस इज पाउडर ओके ओके दिस इज अ पाउडर दिस इज लाइक मिनरल मिक्सचर ओनली बट दिस इज और ऑफ मोर यूज अगर आप घर पे भी बकरे को खिलाओगे ना ये तो आप खिलाओ कोई भी बकरे को भराई या नॉन भराई कुछ भी चलेगा कुछ भी मसला नहीं है लेकिन ये वो चीज है कि जो आपको फर्क देगी आपका पैसा हर महीने खराब नहीं होगा बकरा कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ही तो ये है इनकी फीड भाई गिव हिम अ चांस हरी पत्ती देख लीजिए ये तुवर का भूसा हरी पत्ती तुवर भूसा प्योर तुवर भूसा वेरी गुड क्वालिटी आई कैन सी मतलब इसके अंदर आपको जो वेस्टेज है ना वो कुछ भी नहीं है मैं अगर आपके सामने भी कोई बकरे को डाल दूं तो इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला बिल्कुल ये क्या है ये पैलेट से सो इसके अंदर हर चीज आ गई और ये बकरी लोग के लिए मेरे को थोड़ा रीजनेबल पड़ता है Okay. मतलब मैं डायरेक्ट बकरी लोग को ये दे दिया फिर उसके बाद हरी पत्ती तुवर भूसा जो भी देना है वो दे दिया okay. क्योंकि मेरे को उनमें इतना वेट गेन का नहीं है मेरे को उनके अंदर मेन है उनकी हेल्थ को कायम रखना है और जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं ना उस पर थोड़ा ज्यादा असर हो जाएगा तो दिस इज गुड ओवरऑल सो आई डोंट हैव टू गिव देम एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स अदर हैंड मगर बकरी अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले मैं कैल्शियम चालू कर देता हूँ और जब तक उसके बच्चे 3 महीने के रहते हैं बकरी को कैल्शियम चालू रहता है बाकी बीच के टाइम आप पूछोगे तो मैं नहीं देता हूँ बकरियों को बकरों को देता हूँ तो ये सारा देने के बाद कितना आप वेट गेन अशोल तो नहीं करोगे बट कोशिश कितने पर महीने अंडुल बकरी की कितनी रहेगी वेट गेन का 2.5 केजी मिनिमम इंशाल्लाह मेरे पास है मेरे बकरे साल का 25 किलो तो होना ही चाहिए ना नहीं इंशाल्लाह उससे ज्यादा देंगे और खस्सी बकरे का भी उससे ज्यादा देंगे क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ो ना फात भाई तो एक फार्म पे अगर आप बकरा रख रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरा दिल बोलता है कि 30-35 kg आपको मिनिमम वेट गेन मिले फॉर 12 months बकरा भी वैसा होना चाहिए अच्छा ना नहीं बकरा भी वैसा होना चाहिए और कैसा है कि आप मेहनत कर रहे हो ना सामने वाले को समझ में आता है और हर बकरी की एक साइज़ एक लेंथ एक हाइट है जी ठीक है तो ये है इनका फीड विल कम बैक अगेन आफ्टर द 23rd आई विल कम अभी बात हुई थोड़ा लेट हो गया आज बारिश देखो दोबारा शुरू हुई बट देयर इज नो कीचड़ काचड़ ये तो खैर कच्चा है बोल के ऐसा है बट थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट एंड taking us to the farm inshallah we'll come back again after the 23rd bakre bhejiye bhai yahan pe bakre bhejo 25 rupees mein aur kya milega fat bhai nahi hamza bhai you have roam around maybe nahi hamza bhai is a good person I know him I've seen bhai in pehle inka kaisa kaam tha dedicated banda hai give him a chance theek hai and people can come in any time right bakra people can come any time but the thing is that maine 365 days entry fat bhai rakha farm ke liye मगर वो सिर्फ इसके लिए कि आप आओ आप देखो डे टू डे ऑपरेशंस ओके आप बोलोगे बकरा दिखाओ तो मैं बकरा नहीं दिखा पाऊंगा बकरा ओनली आई कैन शो इट टू यू ऑन संडेज बिकॉज़ रेस्ट ऑफ माय एनिमल्स विल गेट डिस्टर्ब ठीक है चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू अल्लाह हाफिज़